everyone. Today we are going to Basai Wetland. That's our next trip. So Sameer, how are you feeling today in the morning? Waking up early. The winters are almost here. हमारा जो है वो धुंध आनी शुरू हो गई है. तो आपको तकलीफ तो नहीं हुई उठने में? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई है. और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था. और जिस दिन हम लोगों को संडे को बाइक राइड पे जाना होता है, मतलब नींद आती नहीं है. सोचता हूँ कि जल्दी से सुबह हो जाए और हम लोग स्टार्ट हो जाए. और अगर मैं साथ ही साथ में बात करूँ तो जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट टाइम लेपर्ड ट्रैक पे मॉर्निंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 5 o'clock हम लोग उठ गए थे और फिर हम लोगों ने 5:30 आई थिंक अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया था. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को. और इस बार जो हम लोग बसई वेटलैंड जा रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल में आपको हमारे एक्सपर्ट जो वरुण हैं वो बताएंगे इस बारे में आपको. तो वरुण, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. साथ ही साथ ये जो हल्की बारिश हो रही है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मौसम है. सो डेफिनेटली, आई मीन ये जो थोड़ा बहुत रेन होता है, सो जब आप साइकिल पे होते हो तो इट हेल्प्स, तो स्वेट कम होता है एंड इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग. तो थोड़ा बहुत बसाई लैंड के बारे में जो मैंने पता किया है कि वहाँ पर हमारा गुड़गांव का एक बहुत बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है. उसके जो इक्विपमेंट, मतलब उसकी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं. सो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, वहाँ पर खड़े होके उन ट्रीटमेंट प्लांट्स को देखना वर्सेस एक ड्रोन से वो बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स को देखना, तो वो इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग एक्साइटमेंट. दैट इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्साइटमेंट. द अदर वन इज़ देर व्हाट आई हैव हर्ड एंड व्हाट आई हैव रेड समवेयर, दैट देर आर मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स विच कम टू दैट प्लेस, इंक्लूडिंग फ्लेमिंगोज. सो दैट इज़ अनदर एक्साइटमेंट दैट इफ़ यू हैव द लक एंड this is the time when the migratory birds start coming in. October ke mahine ke starting mein ye ho start hota hai. So let's see whatever we find there. And hum log wahan pahunch ke, it's 11.4 kilometer trek, exactly 5:30 hua hai. Hum log 5 minute mein apni cycles wagaira sab ready karke, lights wise ready karke hum log niklenge. Just like before, we will initially take a lot of coverage about our trip, and then once we reach there, then we'll start the drone footage. So with that, back to you, Sameer. Dosto, bas ek aakhri mein aapse request hai ki aap please hamare channel ko subscribe kariye. Bahut hi acha content aane wala hai. Bahut hi achi locations pe hum log jaane wale hain aur wahan pe aapko bird eye view jo hai wo dikhayenge. To ab hum log jaate hain aur wahan chal ke aapse baatein karte hain. Okay, see you. Aur dosto, bas hum log Hayatpur pahunchne hi wale hain. सेक्टर 95 से जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था. बहुत ही बढ़िया वेदर है. देखिए, हल्की हल्की बारिश और साइकिलिंग का मजा, और साथ में मेरे साथी वरुण जो आज जीतने की फिराक में बिल्कुल भी नहीं है. देखिए कितना अंधेरा है, पर सेफ्टी को हमने पूरा अडर किया हुआ है. लाइटिंग वगैरह हमने पूरी यूज की हुई है साइकिलिंग के अंदर. बहुत ही अच्छा वेदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और पॉल्यूशन भी मॉर्निंग के अंदर बहुत ही लो लेवल पे पहुंच जाता है, तो ये भी अच्छी बात है साइकिलिंग के लिए. तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सुबह उठिए, साइकिल निकालिए वीकेंड्स पे और निकल पड़िए. और रोड भी पूरा खाली है, काफी अंधेरा है. बाकी हम लोग जो GoPro को आज ट्राई कर रहे हैं उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे. बारिश में लॉन्ग साइकिलिंग में पहली बार कर रहा हूँ. रोड बिल्कुल साफ है, रोड पर लाइट लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि चांदनी लाइट है और मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ. और सुबह उठने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आप बस उठ जाओ, आधी से ज़्यादा दुनिया अधूरी हो, और निकल पड़ो एक दौड़ पे. वरुण निकल गया आगे, आज उसको निकलने दो, मैं तो आप लोगों से बात करूंगा. वेदर बहुत प्यारा है, दिख रहा होगा पटौदी रोड पे ही हैं हम लोग अभी. जो द्वारिका एक्सप्रेसवे का जो एक क्लियर रूट बन रहा है उसके पास पहुंचने ही वाले हैं. मैंने वरुण से बोला है कि आज मैं पहले पहुंचूंगा, बट कोई कंपटीशन नहीं है, मैं वेदर इन्जॉय करूंगा और उसको पहले पहुँचने. तो बहुत तेज चला रहे हैं साइकिल, हार के जीतने वाले को पार्टी कर कहते हैं और मैं इन्जॉय कर रहा हूँ. मेरे ख्याल से इन्जॉय करके साइकिलिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल है. देखिए क्लाउड, देखिए आप, आपको दिख रहे होंगे बादल, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना अच्छा व्यूज आ रहा है.
बारिश हो रही थी फिर भी हम लोग निकले हैं। तो दोस्तों मज़ा इसी बात का है, अगर हम बारिश में ना निकले, घर पे ही बैठे रहें डर के, तो क्या मज़ा है। थोड़ा बाहर निकलो, आनंद लो अच्छे वेदर का। धीरे धीरे उजाला निकलना शुरू हो चुका है, मंजिल की ओर पहुंचने ही वाले हैं। और बस मुझे एक ही प्रॉब्लम हो रही है, साइकिल में मडगार्ड ना होने की, क्योंकि जो गाड़ियों के छींटे हैं वो पूरे कपड़ों के ऊपर आ रहे हैं। बड़ों एक ऐड आता है ना, दाग भी अच्छे हैं। आज मैं यही कहूँगा, दाग भी अच्छे हैं, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए फन और एंजॉय। अभी देखो एक मैसेज भेजा है वरुण ने, तो बात करता हूँ उससे, क्योंकि एक ट्रक वाले भाई साहब थे बहुत तेजी से निकल गए, तो समझ में नहीं आया। वरुण भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि कीचड़ से वो नहा चुके हैं तो मड गार्ड भी फेल है यहाँ पे, बट थोड़ी बहुत सेफ्टी हो जाती है मड गार्ड से कपड़ों की। मैं मड गार्ड लेके आ चुका हूँ, बट वो घर पे रखा हुआ है, टाइम नहीं मिल पाया कि उसको इंस्टॉल कराऊं। वरुण का बाहर मैसेज आ रहा है पॉकेट ओके पे, उसको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत प्यारी हवा चल रही है, जय करिए हमारे साथ। और घर से उठिए दोस्तों, मस्ती में हम ये लोग भूल ही गए थे कि जैसे बारिश हो रही है और ड्रोन को उड़ाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। और अभी वरुण ने एक भी चीज़ का और अपडेट दिया है मुझको कि अच्छी खासी चढ़ाई आ रही है। तो ये फ्लाईओवर है, गाड़ी से आपको आइडिया हो जाएगा, और मुझे भी अपने गेयर्स को डाउन करना होगा, मतलब कि एक पे पहुंचना होगा ताकि पैडल फ्री हो जाए और आराम से इस इंक्लाइंड का आनंद लिया जाए। द समीर इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, इट्स एन ओपन रोड, इट्स रेनिंग, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट वी आर ड्रेंच्ड इन रेन, बट इट इज सो मच फन। ये बसाई का रेल ओवर ब्रिज है, इसको बसाई रेल ओवर ब्रिज बोलते हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे पे है। यहाँ से है ना यू टर्न दिखा रहा है, हाँ तो देखिए दोस्तों मैं तो पार कर चुका हूँ, ये है बसई वेटलैंड्स की ओर जाने के लिए एडवेंचर और थ्रिल से भरा हुआ रास्ता। दोस्तों एक छोटा सा अपडेट देने के लिए हम लोग रुके हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की रोड कंडीशन। वरुण ने आज कसम खा रखी थी कि मैं अपने जूतों को भीगने नहीं दूंगा, किसी तरीके से हम लोग यहाँ रुके हैं ताकि आपको एक बार धीरे धीरे टूटती भी लग रही है, ताकि यहाँ पर पानी होगा, बिकॉज दिस इज लो लैंड और लोअर पोर्शन होने के कारण यहाँ पर पानी बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू टेक रिस्क, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग है। अपनी गाड़ी तो लेके बिल्कुल ही नहीं आना, साइकिल तो फिर भी लेके आ सकते हो, बिकॉज साइकिल आप हाथ में अगर कैरी करने की हिम्मत है तो बीच बीच में आप साइकिल भी नहीं चला सकते, वहाँ पर आपको कैरी करना पड़ेगा हाथ में, जैसे अभी हमने बीच में किया, कुछ वीडियोज ले रखे हैं हमने दिखाएंगे। तो आगे जाके देखते हैं, एक करीबन 2-3 किलोमीटर आगे दिखा रहा है, सो लेट्स एक्सप्लोर। बाकी अगर आपको थ्रिल चाहिए तो आप आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा पानी से भरे हुए गड्ढे और रोड आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, और साइकिल का आनंद लीजिए। वरुण यार हम लोग किसी आई थिंक रेलवे स्टेशन के बहुत ही पास में है, आपको आइडिया है क्या ये कौन सा स्टेशन होगा? ये बसाई रनकोट रेलवे स्टेशन है, बड़ी उसको कनेक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें अपनी साइकिल जो है वो इस जगह से ऊपर ले जाते हुए और क्रॉस करना पड़ेगा। चलो अच्छा है, फिटनेस लेवल का टेस्ट होगा, तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो
टीम ड्रोन ट्रैवल तैयार है आप लोगों के लिए एक नए शूट के लिए। हाँ दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर में आ चुके हैं हम लोग। मंदिर के अंदर आए हैं हम लोग अभी। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार। और यहाँ पर हम लोग जहाँ आए हैं वो एक मंदिर है, दादा भैया के नाम से मंदिर है। एंड एज समीर ने एक्सप्लोर किया कि दिस इज अ मंदिर वेयर देयर इज नो आइडल व्हिच इज वर्शिप्ड। सो द लोकेशन ऑफ द मंदिर इज वेरी नाइस बिकॉज इसके साइड में टुवर्ड्स द राइट साइड पूरा का पूरा जो है वो वेटलैंड है। अनफॉर्चुनेटली द रोड इज नॉट ओपन हियर, सो वी विल हैव टू टेक द हाईवे एंड फ्लाईओवर के नीचे से वी विल हैव टू टेक अ राइट एंड देन बेसिकली कम एट द सेम प्लेस। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल एंड दैट इज वेयर वी विल शूट अ लॉट ऑफ ड्रोन फुटेज। बट इधर का भी हम आपको एक छोटा सा ड्रोन फुटेज दिखाएंगे। So here you are. तो हम लोगों ने ब्रिज वेज क्रॉस कर लिया है और लुक्स लाइक टू बी अ वेटलैंड फॉर श्योर। और सबसे बड़ी न्यूज, बारिश बंद हो चुकी है। हाँ मैं और समीर अभी वही डिस्कस कर रहे थे
कि अप्रोच जो है अगर उसकी अच्छी हो जाती और भले ही थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी वो ले लेते अगर हम मतलब पब्लिक से, तो आई थिंक थिंग्स कैन बी आई मीन दिस कैन एक्चुअली बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग वेरी डिफरेंट. बाकी अभी हम लोग अपना ड्रोन चलाएंगे एंड देन विल गिव यू एन एरियल व्यू. अनफॉर्चुनेटली आज बहुत ही लाइट इशू है, लाइट्स का बहुत इशू है, देयर इज लॉट ऑफ फॉग अराउंड, सो वी डोंट नो व्हाट विल बी द ड्रोन कवरेज, बट वी विल स्टिल फ्लाई एंड सी. So let's hope for the best. Pardon for the background noise. हम लोग एकदम हाईवे पे खड़े हुए हैं. Today we did the बसाई वाला ट्रिप एंड just ending this trip at a chai point. ये हमारे भैया हमारे लिए चाय बना रहे हैं. और the good part is that it's very close to our house. So probably this will become our ending destination for every trip. Today's मतलब the video that you saw, I'm sure आपने देखा होगा काफ़ी fog है, तो you could not see a lot. But that's the disadvantage of any aerial photography. तो जहाँ पर विंटर्स आने शुरू हो जाते हैं वहाँ पर आपकी कवरेज थोड़ी कम होने जाती है. बट मोर देन द ड्रोन आई थिंक इन दिस ट्रिप इट वाज मोर ऑफ अ साइकिल एडवेंचर दैट वी डिड. एंड समीर, आपको जब हम लोग वो अप्रोच कर रहे थे जब वो बसाई वाले ट्रीटमेंट प्लान से, तो वो अप्रोच कैसा लगा आपको? देखिए, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है.
बट जैसे ही हम लोग एक जो मेन वेटलैंड से वहाँ पहुँचे तो काफ़ी हम लोगों ने सेटिस्फाई फील किया और काफ़ी अच्छा लगा। बट अगर मैं बात करूँ तो क्लीनिंग की और वहाँ पे अगर सैनिटेशन की बात करूँ तो बहुत ही पुअर है। अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हो ग्रुप में ही जाइए, अकेले जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। और वेदर मॉर्निंग में बहुत अच्छा था, आपने देखा होगा जो इससे पहले क्लिप आई होगी कि मॉर्निंग में हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, वेदर बहुत अच्छा था, फैंटेस्टिक वेदर था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था तो इन्जॉय हमने पूरा पूरा किया। साइकिलिंग का भी पूरा मज़ा उठाया हम लोगों ने और देखा जाए तो अराउंड 40 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया होगा। अगर 40 नहीं होगा तो अराउंड 38-36 किलोमीटर के बीच में हमारा जर्नी रही होगी हमारी। बाकी वरुण ने काफ़ी अच्छी कोशिश करी है कि अच्छे स्कूल आप लोगों ने दिखाए वो, तो आप वीडियो पूरा देखना और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ लाइक और शेयर, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करनी है आपको। और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और जितने भी आपके नेबर वगैरह, आप उनसे प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। आई होप कि उनको सारे वीडियोज़ अच्छे लगेंगे और काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले समय पे आने वाले आप लोगों के लिए, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड कीप कमेंटिंग इन केस इफ यू हैव एनी आइडियाज और यू हैव एनी प्लेसेस दैट यू वांट अस टू एक्सप्लोर। सो विद दैट साइनिंग ऑफ फ्रॉम ड्रोन ट्रैवल्स, दिस इज वरुण समीर, साइन ऑफ।